के जिले झट्टा के इलाके कंबोर के अंदर, और हम यहाँ पर कुछ जो यहाँ की असल जिंदगी है उसके हवाले से कुछ छोटी सी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हम अभी यहाँ से जाएंगे फील्ड की तरफ, जहाँ पर खेत हैं, खलिहान हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं खेतों में। अभी हम रुके हैं यहाँ एक जगह चाय पीने के लिए। ये बहुत ही टाइप होटल है, यहाँ का अपना एक माहौल होता है। इस माहौल को आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में भी बड़ा कल्चर है यहाँ का, बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग। हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय बनाने का यहाँ पर बड़ा रिवायती सा बड़ा खूबसूरत सा अंदाज़ है। लकड़ी के चूल्हे होते हैं, लकड़ी की आग से यहाँ पे चाय बनाई जाती है। आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, ये बहुत रिवायती प्रोसेस है सिंध का। हमारे दोस्त हैं दानिश भाई, ये उनकी ज़मीनें हैं। मकसद यहाँ पे आने का ये है कि शहरी ज़िंदगी जो है उस ज़िंदगी से कभी कभी निकलना बड़ा ज़रूरी है, और ऐसी जगहों पे आके हमारा कुछ वक्त गुजारना बड़ा ज़रूरी है। कैथारसिस का बड़ा मौका मिलता है, अपने आप से बात करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं इस वक्त जितनी खामोशी है, जितना सुकून है। उस शहरी शोर के पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे बेहतरीन ये मुकाम है, ये जगह है। और भी बहुत सारी जगह हैं, वो हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, हल्के हल्के हम आपको उनके विजिट भी कराएंगे। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में जितनी आपकी भाग दौड़ है, जितना आपका ज़िंदगी में एक अजीब किस्म का मिक्स एंड मिंगलनेस है, उससे बचने के लिए एक बार हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार ऐसी जगहों का विजिट ज़रूर किया करें, जहाँ पर इतना सुकून है, इतना 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 शांति है कि अपनी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है इस वक्त पे भी। बहुत दूर कुछ लोग बोल रहे हैं और उनकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, वो हमारे बिल्कुल भी करीब नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड पे, मेरे चारों तरफ दूर दूर तक ना आदम है, ना आदम की ज़ात है, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी वेल। बड़ा स्मूथ है, बड़ा सुकून है, और मैं थोड़ा जज्बाती भी हो रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मेरे जज्बाती होने की कुछ रीज़न है। मेरा मुल्क, मेरा देश पाकिस्तान बहुत खूबसूरत देश है, एक से एक खूबसूरती है। कराची से एक घंटा 48 मिनट की ड्राइव के ऊपर हम यहाँ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं इन फील्ड को, इन नज़ारों को आप देख सकते हैं, और अपनी आँखों को आप ठंडा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने कुछ नज़ारे अभी देखे, मैंने तस्वीरी सूरतों में आपको दिखाई, और थोड़े से वीडियोस भी मैंने आके बनाए। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं सूरज ग़ुरूब हो रहा है, और जितनी खूबसूरत खामोशी यहाँ पे, जितना खूबसूरत सुकून यहाँ पे मौजूद है, इस सुकून में आप अपने रब से बात कर सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में जान सकते हैं जो हम पूरे दिन में करते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। इस तरह के बहुत सारे और वीडियोस मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज में बना बना कर दिखाता रहूँगा। मेरे मुल्क, मेरे देश की, पाकिस्तान की खूबसूरती मैं आपको दिखाता रहूँगा। हम हमेशा बहुत बड़े कैनवस की बात करते हैं, मैं इन छोटी छोटी जगहों के ऊपर, इन छोटे छोटे इलाकों की खूबसूरती आपको दिखाता रहूँगा। अपने आस पास का, अपने अहबाब का, अपने मिलने जुलने वालों का बहुत ख्याल रखें। जानवरों से मोहब्बत से पेश आएँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार करें। पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। अपने आसपास का अगेन बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।